हेलो स्टूडेंट्स, आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की चर्चा करते हैं। एडिटोरियल है इनविडियस डिवाइड। जो वर्ड्स हैं इसमें, उसके सिनोनिम, एंटोनिम, एडियम फ्रेजेस, इन सबको भी लेते हुए चलेंगे हम। इनविडियस वर्ड है, और इस एडिटोरियल में आगे चल के एक वर्ड और आएगा, डिस्परेजिंग। दोनों आपस में सिनोनिम है, तो पहले इन दोनों वर्ड्स को देख लें। इनविडियस एंड डिस्परेजिंग, इनविडियस एंड डिस्परेजिंग, इन दोनों के मतलब हैं अपमानजनक। तो इनविडियस डिवाइड, अपमानजनक बंटवारा। इंडिया कैन डू विदाउट पॉलिटिशियंस, एग्जेशर वेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेशर वेटिंग। एग्जेशर वेटिंग मीन्स वर्सन अ सिचुएशन, यानी किसी स्थिति को बद से बदतर बनाना। तो इंडिया कैन डू विदाउट पॉलिटिशियंस, भारत उन राजनीतिज्ञों के बिना भी काम चला सकता है। एग्जर्सरवेटिंग अ नॉर्थ साउथ पोलराइजेशन, जो उत्तर दक्षिण के ध्रुवीकरण को और बदतर बना रहे हैं। पोलराइजेशन मीन्स ध्रुवीकरण। द रिमार्क ऑन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उत्तर भारतीय राज्यों पर टिप्पणी, मेड बाय द्रविड़ मुनेत्र कजगम। साउथ की पार्टी है डीएमके, उसी का फुल फॉर्म द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो द रिमार्क ऑन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उत्तर भारतीय राज्यों पर टिप्पणी, मेड बाय द्रविड़ मुनेत्र कजगम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य। तो डीएमके के संसद सदस्य यस सेंथिल कुमार के द्वारा उत्तर पूर्वी उत्तर भारतीय राज्यों पर टिप्पणी इन द लोकसभा, लोकसभा में। सिंस एक्सपेंस्ड, एक्सपेंसिव वर्ड है, ये अक्सर सिनोनिम के फॉर्म में आता है एग्जामिनेशन में, EXPUNGED, एक्सपेंस्ड। एक्सपेंस्ड मीन्स उसको डिलीट करना, निकालना। सिंस एक्सपेंस्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, जिसे रिकॉर्ड में से निकाल दिया गया। वाज अनवर्दी ऑफ अ लॉ मेकर, वो किसी कानून निर्माता के उपयुक्त नहीं था। अनवर्दी, अनुपयुक्त। लॉ मेकर, नीति निर्माता, कानून निर्माता। यानी समराइज ये हुआ कि उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारतीय राज्यों पर जो डीएमके के संसद सदस्य यस सेंथिल कुमार के द्वारा लोकसभा में टिप्पणी की गई और जिसे रिकॉर्ड में से निकाल दिया गया, वो किसी कानून निर्माता के लिए उपयुक्त नहीं था। टू स्पीक डिस्परेजिंगली ऑफ फेलो बींग्स, फेलो बींग्स यानी साथियों, दोस्तों के लिए। टू स्पीक डिस्परेजिंगली ऑफ फेलो बींग्स, यानी अपने साथियों के लिए अपमानजनक बात करना। फॉर देयर बिलीफ्स, उनके विश्वासों के लिए। फूड हैबिट्स, भोजन संबंधी आते हैं। आर कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस वर्ड है। प्रैक्टिसेस मतलब तौर तरीके, संस्कार। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी सांस्कृतिक तौर तरीके।
वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. वेरी, वेरी मीन्स बदलना. ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है. इन अ वास्ट कंट्री सच एज इंडिया, भारत जैसे विशाल देश में, वास्ट, वी ए एस टी, वास्ट मीन्स विशाल, बड़ा. इस सेंटेंस को फिर से लीजिए. टू स्पीक डिस्परेजिंगली ऑफ फेलो बींग्स, यानी अपने साथियों के बारे में अपमानजनक तरीके से बात करना, उनके विश्वास के लिए, भोजन संबंधी आदतों के लिए, आर कल्चरल प्रैक्टिसेस या सांस्कृतिक तौर तरीकों के लिए, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ वाइगोट्री. नथिंग शॉर्ट ऑफ, कम नहीं है, बाइगोट्री यानी कट्टरता. बाइगोट्री वर्ड्स भी एग्जामिनेशन में आते हैं. बाइगोट्री मीन्स फैनाटिक और दोनों का मतलब कट्टर. तो अपने साथियों के लिए, उनके भोजन संबंधी आदतों के लिए, उनके विश्वास के लिए या उनके सांस्कृतिक तौर तरीकों के लिए अपमानजनक तरीके से टिप्पणी करना, वो कट्टरता से कम नहीं है. पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस मीन्स प्राथमिकता. पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, राजनीतिक प्राथमिकता. वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं. इन अ वास्ट कंट्री सच एज इंडिया, भारत जैसे विशाल देश में, देयर आर वेरियस इम्बैलेंसेस. बैलेंस मीन संतुलन, इम्बैलेंस उसका अपोजिट है, असंतुलन. देयर आर वेरियस इम्बैलेंसेस, विभिन्न प्रकार का असंतुलन है. इन दिस वास्ट लैंडस्केप, वास्ट मीन्स विशाल, लैंडस्केप यानी परिदृश्य. तो इस परिदृश्य में बहुत अधिक असंतुलन है. फॉर इंस्टेंस एग्जामिनेशन में एरर में आया है, तो जो फॉर इंस्टेंस है वही फॉर एग्जाम्पल. उसमें ध्यान रखना है कि बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी आप फॉर एन इंस्टेंस या फॉर एन एग्जाम्पल का यूज नहीं करेंगे. तो फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, दोनों का मतलब उदाहरण के लिए. फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, लिटरेसी साक्षरता और एजुकेशन शिक्षा. तो फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, साक्षरता और शिक्षा के बारे में. नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन. एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, एक्सेस वर्ड है, ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस. एक्सेस मीन्स पहुंच. एक्सेस मीन्स पहुंच. एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, ट्रेड मीन्स व्यापार, तो व्यापार के रास्तों तक पहुंच. एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन, डेमोग्राफिक मीन्स जनांकिकी. सरल शब्दों में अगर कहें तो जनसंख्या संबंधी. तो डेमोग्राफिक कंपोजिशन यानी जनसंख्या संबंधी जो संरचना है, जनांकिकी संरचना. तो फिर से इस सेंटेंस को देखें. There are various imbalances in this vast landscape. इस विस्तृत परिदृश्य में विभिन्न प्रकार के असंतुलन हैं. For instance, उदाहरण के लिए,
इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, साक्षरता और शिक्षा, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, व्यापारिक रास्तों तक पहुंच एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन और जनांकिकी संबंधी संरचना, इन सब के रूप में दीज इम्बैलेंसेस, ये असंतुलन आल्सो रिफ्लेक्ट इन द कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। ये असंतुलन देश के राजनीतिक और आर्थिक संरचना को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सम रीजन्स आर मोर एडवांस्ड, एडवांस मीन्स विकसित, आगे। सम रीजन्स, कुछ क्षेत्र आर मोर एडवांस, ज्यादा विकसित हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, यानी कुछ क्षेत्र आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। वाइल, जबकि सम अदर्स हैव अ हायर कैपेसिटी, कुछ अन्य की उच्च क्षमता है टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कोर्स ऑफ द कंट्री, इन्फ्लुएंस प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कोर्स ऑफ द कंट्री, देश के राजनीतिक कोर्स को प्रभावित करने में कुछ अन्य क्षेत्रों की ज़्यादा क्षमता है। कुछ आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे केरला आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत, तो उसका दूसरा रोल हुआ, और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली ज़्यादा असर दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो ये सब असंतुलन है। इम्बैलेंसेस अपार्ट, अपार्ट मीन्स के अलावा, के अतिरिक्त, इम्बैलेंसेस अपार्ट, असंतुलन के अतिरिक्त, देयर इज वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल पढ़ते हैं तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता, तो डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता, विविधता। देयर इज वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विशाल विविधता है, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर एंड कलिनरी हैबिट्स, कलिनरी वर्ल्ड है। ऊपर फूड हैबिट्स आया था, तो जो फूड हैबिट्स है दैट इज कलिनरी हैबिट्स। सी यू एल आई एन ए आर वाई, कलिनरी मीन्स फूड, तो कलिनरी हैबिट्स यानी भोजन संबंधी आदतें। तो देयर इज वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर एंड कलिनरी हैबिट्स, यानी धर्म, भाषा, संस्कृति और भोजन संबंधी आदतों में भारत में विशाल विविधता है। नेशन मेकर्स यानी राष्ट्र निर्माता, नेशन मेकर्स राष्ट्र निर्माता, ग्रेपिल्ड विद, ग्रेपिल वर्ड है, एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, सिनोनिम के रूप में इसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है, डील विद, कोप विद एंड ग्रेपिल विद, जी आर ए डबल पी एल ई, ग्रेपिल, डील एंड को, इन सब के साथ प्रीपोजिशन विद। तो डील विद, कोप विद, ग्रेपिल विद का मतलब हल करना, जूझना। तो नेशन मेकर्स ग्रेपल्ड विद दी चैलेंजेस ऑफ इम्बैलेंसेस एंड डाइवर्सिटी, राष्ट्र निर्माता इन चुनौतियों
ऑफ इम्बैलेंसेस असंतुलन एंड डाइवर्सिटी विविधता, यानी राष्ट्र निर्माता असंतुलन और विविधता की इन चुनौतियों से जूझे। टू सेट इन मोशन मतलब गति प्रदान करना, सेट इन मोशन गति प्रदान करना। द कंसोलिडेशन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स, कंसोलिडेशन मतलब मजबूत करना, सुदृढ़ करना, फोर्टिफाई। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि अकबर के एम्पायर का पहले एक्सपेंशन हुआ, फिर कंसोलिडेशन, यानी पहले विस्तार हुआ फिर उसको सुदृढ़ीकरण किया उसने। तो कंसोलिडेशन मतलब मजबूत करना। टू सेट इन मोशन द कंसोलिडेशन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स, सर्वाधिक विविध एंड मोस्ट पॉपुलेटेड, सर्वाधिक जनसंख्या वाला डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश ऑन द प्लेनेट। प्लेनेट मीन्स ग्रह। इस पूरे सेंटेंस को रीअरेंज करें। तो नेशन मेकर्स ग्रेपल्ड विद दी चैलेंजेस ऑफ इम्बैलेंसेज एंड डाइवर्सिटी, राष्ट्र निर्माता असंतुलन और विविधता की इन चुनौतियों से जूझे। क्या करने के लिए? टू सेट इन मोशन द कंसोलिडेशन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स, जो सर्वाधिक विविध एंड मोस्ट पॉपुलेटेड डेमोक्रेटी ऑन द प्लेनेट, यानी इस ग्रह पर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सबसे ज्यादा विविधतापूर्ण देश है उसमें सुदृढ़ीकरण को गति प्रदान करने के लिए। व्हाइल इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, भारत ने सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, भारत ने महत्वपूर्ण उन्नति की है, इन एड्रेसिंग दीज इम्बैलेंसेस एंड मैनेजिंग द डाइवर्सिटी। एड्रेस वर्ड है ADDRESS, जिसका मतलब पता होता है, लेकिन यहाँ पर एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, यानी हल करना। आप एड्रेस द मीटिंग करते हैं, यानी सभा को संबोधित करना, एड्रेस द पीपल लोगों को संबोधित करना, और जब समस्याओं को हल करते हैं तो एड्रेस द प्रॉब्लम। तो यहाँ प्रॉब्लम के सेंस में है। तो व्हाइल इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, भारत ने महत्वपूर्ण उन्नति की है, इन एड्रेसिंग दीज इम्बैलेंसेस, इन असंतुलनों को हल करने में, एंड मैनेजिंग द डाइवर्सिटी और विविधता को प्रबंधित करने में, एनी ऑनेस्ट अप्रेजल, अप्रेजल वर्ड देखेंगे, दो सिमिलर से वर्ड्स हैं, APPRAISAL, अप्रेजल, एंड APPRISAL, अप्राइजल। अप्रेजल मीन्स होता है मूल्यांकन। पार्लियामेंट में कमेटी बनती है अप्रेजल कमेटी, जिसको कहते हैं मूल्यांकन समिति। तो अप्रेजल का मतलब हुआ मूल्यांकन करना, यानी जज करना, इसका सिनोनिम जज, मूल्यांकन करना। एंड अप्राइजल इन्फॉर्म, सूचित करना, अप्राइजल मीन्स सूचित करना। तो एनी ऑनेस्ट अप्रेजल, कोई भी ईमानदार मूल्यांकन, वुड हैव टू अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर यानी जवाबदेह होना, उत्तरदायी होना, वुड हैव टू अकाउंट फॉर द अनफिनिश्ड टास्क एट हैंड। अनफिनिश्ड टास्क
यानी अधूरा कार्य, अनफिनिश्ड टास्क एट हैंड यानी हमारे सामने जो अधूरा कार्य है, इसको जोड़े पूरा। एनी ऑनेस्ट अप्रेजल वुड हैव टू अकाउंट फॉर, कोई भी ईमानदार मूल्यांकन इसके लिए उत्तरदायी होगा, फॉर द अनफिनिश्ड टास्क एट हैंड, जो हमारे सामने अधूरा कार्य है। रीजनल आइडेंटिटीज यानी क्षेत्रीय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान, क्षेत्रीय पहचान एंड इम्बैलेंसेस और असंतुलन आर नॉट टू बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट। इडियम है ब्रश अंडर द कारपेट। ब्रश अंडर द कारपेट मीन्स छुपाना, हाइड करना। तो पूरा सेंटेंस देखिए, रीजनल आइडेंटिटीज एंड इम्बैलेंसेस आर नॉट टू बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट। क्षेत्रीय पहचान और असंतुलन को छुपाना नहीं है। आर फोर्स्ड इनटू साइलेंस, फोर्स्ड मतलब मजबूर करना, साइलेंस चुप्पी, या उनको जबरदस्ती चुप कराना है। अनलेस द अटेम्प्ट इज टू क्रिएट एन अथॉरिटेरियन कंट्री। अथॉरिटेरियन वर्ड, वन वर्ड सब्सक्रिप्शन में एग्जामिनेशन में आता है। अथॉरिटेरियन मीन्स एक छत्रवाद यानी एक ही व्यक्ति का शासन। तो इनका कहना है कि अनलेस द अटेम्प्ट इज टू क्रिएट एन अथॉरिटेरियन कंट्री, जब तक एक छत्रवाद देश का निर्माण हमें नहीं बनाने की कोशिश करना है, तब तक जो क्षेत्रीय असंतुलन है या क्षेत्रीय पहचान है उनको न तो छुपाना है और न उनको जबरदस्ती शांत कराना है। तो आज इस एडिटोरियल का हाफ पोर्शन किया हम लोगों ने, इसका जो सेकंड हाफ है उसको कल कंप्लीट करेंगे। और इसमें जिन जिन वर्ड्स का जिक्र किया गया है उनको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम के फॉर्म में आते हैं। थैंक यू।